हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट 4। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये जितने भी आपके करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं ना एक साल के पुराने, उसमें से कुछ भी एक कोई वर्ड आ जाता है ना तो उसके लिंक में क्या क्वेश्चन बन सकता है वहां से मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। और प्लस ये जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको जो है ना ऐसा मत समझो कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसके ऑप्शंस भी नहीं मैंने बनाए, क्योंकि ऐसा होता है ना ऑप्शन बनाने में फिर बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चन फॉर्म में लेके आ रहा हूं, लेकिन इसके बारे में मैं सारी चीज़ें बता देता हूं ए टू जेड, क्लियर। सो इसको आगे बढ़ने से पहले कि आपको क्या करना है कि दीज आर माई लिंक्स ऑन द सोशल मीडिया, तो ये आपको देख लेने हैं। यहाँ पे आपका जो है इंस्टाग्राम का लिंक है और फेसबुक का लिंक दिया गया है। डॉक्टर विपन गोयल के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और विपन गोयल के नाम से सर्च कर सकते हैं फेसबुक के। और इसके अलावा कहाँ से पीडीएफ मिलेगी, क्या टेलीग्राम का लिंक है, सब चीज़ें जो हैं आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगी। जो कमेंट होता है ना, कमेंट सेक्शन होता है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक मैसेज होता है आपका, पहला ही एक पिन किया हुआ मैसेज होता है, तो बहुत बड़ा मैसेज होता है वो, और उसके ना बिल्कुल नीचे जाके ना मेरे लिंक्स होते हैं, तो वहां से आप मुझे चीजें सर्च कर सकते हैं और सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, क्लियर। सो अब हम बढ़ते हैं जी हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सो बिना टाइम वेस्ट के सो लगाइए सर पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन देखिए, सियाचिन ग्लेशियर सबको पता होगा, द हाइएस्ट बैटल ग्राउंड जो हमारा यहाँ पे है, क्लियर। सियाचिन ग्लेशियर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन्स इन ग्लेशियर इज पार्ट ऑफ विच माउंटेन सिस्टम, किस माउंटेन सिस्टम का जो ये पार्ट है। देखिए जी, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कहाँ पे है ये, ये है जी आपका कराकोरम रेंज सिस्टम का ये पार्ट है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास आता है, जिसमें आपका जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास आता है, और आपका कश्मीर का इलाका है ये, क्लियर। सो ध्यान रखना, सो कराकोरम रेंज, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया जी आपका कराकोरम रेंज, क्लियर, कराकोरम, क्लियर। सो देख लीजिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कराकोरम रेंज, क्लियर। सो दूसरा क्वेश्चन जी, विच माउंटेन फॉर्म द वेस्टर्न एंकर ऑफ हिमालयन रेंज, हिमालयन जो है आपको पता है हिमालय जो है आपके सबसे ज्यादा यंग फोल्ड माउंटेन्स, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंग फोल्ड माउंटेन्स, क्लियर। सो ये जो है फोल्ड माउंटेन्स हैं और आपका यंग माउंटेन्स हैं, ये अभी भी इनके जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है, क्लियर। सो इसका जो है ये है आपका वेस्टर्न, ये है आपका ईस्टर्न, क्लियर। दिस इज द वेस्टर्न साइड, ये है पश्चिम साइड, और ये है आपका पूर्वी साइड, क्लियर, और ईस्टर्न साइड। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे पश्चिम वाला इलाका क्या है, पश्चिम वाला जो इलाका है वो क्या है जी आपका नंगा पर्वत, क्लियर। सो नंगा पर्वत इज द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज, वेस्टर्न एंकर ऑफ द हिमालयन रेंज, क्लियर। सो मैंने वेस्टर्न बता दिया, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ईस्टर्न साइड वाला जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि कौन सी बाउंड्री जो है आपकी ईस्टर्न साइड के ऊपर आती है, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, विंध्या शक्ति जो है वो किस डायनेस्टी का, किस जो वंश का जो है संस्थापक था, विंध्या शक्ति है वो है जी वकातका डायनेस्टी, प्राचीन भारत में ये डायनेस्टी होती थी, उसका ये फाउंडर होता था। थर्ड का क्वेश्चन क्या बन गया जी, वकातका डायनेस्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विंध्या शक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये है ये जी ट्राइब जो है आपकी, ये योजी ट्राइब जो है वो कौन से रूलर्स के साथ जो है एसोसिएट करती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। योजी ट्राइब, ये जो ट्राइब है, ये ट्राइब जो है आपकी, ये चाइना से आके सेंट्रल एशिया, देन हमारे इंडिया में जो है ये आई थी, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट भी कह देते हैं, मध्य एशिया का कॉन्टैक्ट भी है ये, क्लियर। और इनमें से जो आपके रूलर थे वो आए थे कुशान रूलर थे ये, क्लियर। ये वही कुशान लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के इशू किए थे, सोने के सिक्के, क्लियर। सो गोल्ड क्वाइंस जो हैं वो कुशान ने जो है आपके इंडिया के अंदर जो है इशू, सॉरी कुशान डेट वाज सॉरी
सोने के सॉरी कुशान किंग. सो वो जो है सोने के सिक्के वाले थे ना, वो इंडो ग्रीक्स थे, ध्यान रखना इंडो ग्रीक्स थे जो सोने के सिक्के थे. मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया, सोने के सिक्के वाले इंडो ग्रीक थे, सोने के सिक्के इंडो ग्रीक में. कुशान के लेना देना नहीं है कुछ, कुशान अलग चीज है, ठीक है, जियोजी ट्राइब, क्लियर, याद रखना कुशान, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट मेटल टू बी यूज इन इंडिया, पहली मेटल, पहली धातु जो थी आपकी वो कौन सी थी, पहली धातु जो आई थी हमारे देश में, हमारे ओरिजिन हुआ था वो थी कॉपर, कॉपर CU, क्लियर. और कॉपर किसके टाइम पे हुई थी, चालकोलिथिक समय के टाइम पे, चालकोलिथिक पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चालकोलिथिक पीरियड, क्लियर. सो दिस इज द फिफ्थ क्वेश्चन, चालकोलिथिक पीरियड, क्लियर. सो फिफ्थ इज द राइट आंसर, चालकोलिथिक पीरियड. सो कई बार ना पेपर में आ जाता है कि पहली मेटल जो कॉपर होगी, क्लियर, फिर आपके इसके बाद चालकोलिथिक पीरियड के बाद जो है IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन चलता है, क्लियर, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग, क्लियर, कांस्य युग. सो कॉपर जो है, कॉपर और टिन, टिन मिल के जो है, कॉपर और टिन मिलके ब्रॉन्ज बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. और जो आयरन है, लोहा है, वो तो बहुत देर बाद हमारा आया था, क्लियर. सो पांचवें का आंसर हो गया जी आपका कॉपर, क्लियर, कॉपर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो किसके साथ जो है एसोसिएट करता है, सुल्तान अजलान शाह कप, ये जो है आपका मैन हॉकी जो है टूर्नामेंट है, जो कहां पे होता है, मलेशिया में, क्लियर, सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी के साथ लिंक करता है, मैन हॉकी के साथ, क्लियर, याद रखिए मैन हॉकी के साथ जो है लिंक करता है और मलेशिया में जो है ये होता है, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए जी आपका सेवंथ क्वेश्चन, मुरुगप्पा गोल्ड कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, कौन सी फील्ड के साथ ये लिंक करता है, ये है जी अगेन हॉकी, मुरुगप्पा भी जो है वो बिलोंग करता है हॉकी के साथ, सेवंथ का आंसर भी क्या हो गया जी आपका हॉकी, क्लियर. आठवां क्वेश्चन देखिए, साउंड जो है ध्वनि जो है सबसे ज्यादा तेज कहां पे चलती है, जो ध्वनि है, साउंड है, इसको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम की, क्लियर, एक माध्यम की जरूरत है, और माध्यम की जरूरत तभी ये ट्रैवल कर पाती है, और जो सॉलिड होता है, ठोस होता है, सॉलिड ठोस, इसके अंदर जब जाएगी ना तो सबसे ज्यादा जो है चीज गूंजेगी, इसीलिए जब आप किसी चीज के लोहे की चीज के ऊपर कुछ मारते हैं तो उसकी आवाज ज्यादा आती है, क्लियर. तो साउंड जो है सबसे ज्यादा ट्रैवल, सबसे ज्यादा फास्ट किसमें जो है चलती है, तेज किसमें चलती है, सॉलिड्स में, क्लियर, ध्यान रखिए, सॉलिड के बाद लिक्विड, द्रव में, और देन गैसेस में, क्लियर, लिक्विड गैसेस, क्लियर, सॉलिड लिक्विड गैसेस, अगर ध्यान रखना. अब पेपर में ना इसको रेलेवेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपका, कि जो आपके जैसे मून के ऊपर हम जाते हैं, मून चंद्रयान, ठीक है, सो मून के ऊपर जब जाते हैं तो बातें कैसे करते हैं, क्योंकि मून के पास तो एटमोसफियर ही नहीं है, मून का जो चंद्रमा का कोई एटमोसफियर ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है वहां पे, क्लियर. सो एटमोसफियर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो अब बात कैसे होगी, तो मून पे साउंड नहीं चलती, ध्यान रखना, मून पे साउंड से बात नहीं करते, तो बात कैसे करते हैं हम, रेडियो टॉकी से, ठीक है. सो रेडियो वेव्स यूज होती हैं वहां पे, क्लियर, याद रखिए इसको, कंफ्यूज मत कर लेना, रेडियो, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द लेंस इज मेजर्ड इन, सो नाइन्थ क्वेश्चन, पावर ऑफ द लेंस, पावर देखिए, पावर एक अलग चीज है, एक जिसके यूनिट होते हैं वॉट, क्लियर, लेकिन यहां पर क्या है, पावर ऑफ लेंस की बात कर रहा है, लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/focal length, 1/focal दूरी, फोकल दूरी कहते हैं, 1/focal दूरी, और पावर के यूनिट जो होते हैं वो होते हैं जी डायोप्टर, क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना, गलती मत करना, डायोप्टर, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज, सबसे ज्यादा जो है आपका अर्थ सरफेस के अंदर कौन सी चीज मिलती है,
पहले मिलता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम। याद रखना ये कौन सा क्वेश्चन होगा जी, दसवां। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन एल्युमिनियम। सिलिकॉन जो है आपका सेमीकंडक्टर्स वगैरह में भी यूज होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर्स। और एल्युमिनियम की जो ओर होती है वो होती है बॉक्साइट। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आए हुए हैं, क्लियर। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है और एल्युमिनियम जो है आपका ओर, एल्युमिनियम की ओर क्या है आपकी, बॉक्साइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसे आप कहते हैं, आई थिंक ये दिस इज द 11th क्वेश्चन। पीओपी जो होता है ये होता है CaSO4.5H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्लियर। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और आधा है, ये ध्यान रखना, क्लियर। सो इसमें क्या होता है कि आपको इसमें जो है फॉर्मूला, हम कह सकते हैं ये दो को, अगर मैं इसको पूरे को दो से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी सही है ना, 2CaSO4.H2O, ये फॉर्मूला भी बन सकता है। तो इसमें ध्यान रखना ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं आपके, पीओपी के, कंफ्यूज मत होना, CaSO4.5H2O और 2CaSO4.H2O, क्योंकि इसका मतलब हाफ एच टू ओ का मतलब क्या है, ये दुगना ही हो गया ना, तो यहां पे मैंने दुगना लिख दिया, यहां पे मैंने सिंगल लिख दिया, सो ये बन गया 2:1, क्लियर। सो यहां पे क्या बन गया, अगेन 2:1, क्लियर। सो ये चीज ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक होता है जिप्सम, एक क्या होता है जिप्सम, क्लियर, और उसका फॉर्मूला उल्टा होता है CaSO4.2H2O। सो ध्यान रखना CaSO4.2H2O, यहां पे कंफ्यूजन मत ले जाना, ठीक है। सो इसका मतलब हाफ CaSO4.H2O, तो ये हो गया आपका जिप्सम का फॉर्मूला। पीओपी और जिप्सम में कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं बार बार जो है फोकस करके कह रहा हूं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां, लाफिंग गैस, हंसाने वाली जो गैस होती है ये कौन सी है। ये हंसाने वाली गैस जो होती है ना, ये हम यूज करते हैं, डॉक्टर यूज करते हैं एनेस्थीजिया, ताकि जो जो पेशेंट है, वैसे तो ये बच्चों का ट्रीटमेंट करने में भी काम आती है, और इससे इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो है पर्सन जो है उसको पेन वगैरह का कुछ फील नहीं होता, एनेस्थीजिया है, यूफोरिया कंडीशन में रहता है, वो कौन सा है जी आपका, N2O, जिसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको ऐसे भी कह देते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लियर। दोनों चीजें हैं, मैंने पेपर में ये भी क्वेश्चन देखा था, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड भी ऑप्शन में आया हुआ था, तो इसको भी टिक किया हुआ था। और N2O क्या है आपकी, ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ध्यान रखना, ग्रीन हाउस गैस भी है ये, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, लोहे की सबसे प्योर फॉर्म क्या है, लोहे की सबसे प्योर फॉर्म क्या है, 13th क्वेश्चन। लोहे की सबसे प्योर फॉर्म है जी रॉट आयरन, याद रखिए रॉट आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 13th का ऑप्शन रॉट आयरन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर कंटेन, सोडा वाटर के अंदर क्या चीज होती है। देखिए सोडा वाटर आपके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के ऊपर भी बात कर सकते हैं, सोडा वाटर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अगर उन्होंने गैस पूछा तो कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, अगर उन्होंने एसिड पूछा, अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर क्या बनाते हैं आपका, कार्बोनिक एसिड, क्लियर। सो एसिड पूछा तो आंसर क्या बन गया आपका, कार्बोनिक एसिड, क्लियर। सोडा वाटर के अंदर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, क्लियर। और इसमें जो होता है डिसॉल्व स्टेट में होता है, हाई प्रेशर वगैरह इसमें लगा होता है, क्लियर। यहां पे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑयल इन द विक ऑफ लैंप राइजेस, द ऑयल इन द विक ऑफ लैंप राइजेस। देखिए मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, आपका पेपर में ना एक तरह से क्वेश्चन आता है, और इसमें ना आपको मैं सारी चीजें बता देता हूं। एक टर्म होती है, जैसे सपोज करो, जैसे आप टिश्यू पेपर ले लो, टिश्यू पेपर ले लो, टिश्यू पेपर के ऊपर ना ऐसे बूंद फेंक दो, बूंद देखेंगे आप ना ऐसे फैलती जाती है, ऐसे आपको देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे जाती रहती है, क्लियर क्लियर, वो फैलती है। या फिर आपने देखा होगा जैसे ये ट्री है, ये ट्री है,
ठीक है, पानी हम ऊपर थोड़ा देते हैं, पानी हम तो नीचे देते हैं, क्लियर। और पानी जो होता है वो बिल्कुल ऐसे जाके ऊपर जाता है, तो इसका मतलब ऐसी कोई भी चीज, क्लियर, या फिर आप ले लो दिया ले लो। सो दिए में यहां पे, ये दिए में यहां पे ऑयल होता है, तेल होता है, और यहां पे हम इसको जो है बर्न कर रहे होते हैं, ये जला हुआ होता है। सो तेल, आप ये चीज जलती रहती है और ये तेल जो है ना वो नीचे नीचे जाता रहता है और ये ऐसे जा रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज जो है एक रास्ता बना के, एक लिक्विड जो है, जो द्रव है, वो रास्ता बना के अगर ऐसे जा रहा है ना, तो इसका मतलब पता क्या होता है, ये एक्शन कौन सा है, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, जाने के केशव नली द्वारा, केशव नली द्वारा ये जो रास्ता है, ये केशव नली द्वारा। सो अगेन ये जो पानी जा रहा है ऊपर है, तो अदरवाइज ऑस्मोसिस भी इसको कहते हैं, लेकिन ये रास्ता बना के जा रहा है, तो ये कौन सा एक्शन हो गया, कैपिलरी। तो ये ड्रॉप फेंकी थी तो ये भी ऐसे कैसे फैल रहा है, कैपिलरी। तो अगेन जैसे अगर सपोज करो कि जैसे हम इंक हमारी गिर जाती है शर्ट के ऊपर, पैंट के ऊपर, क्लियर, तो वो भी इंक ऐसे फैलती जाती है, तो वो भी क्या है आपका, कैपिलरी एक्शन, क्लियर। सो कैपिलरी एक्शन इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, क्लियर, कैपिलरी एक्शन। और जो आपका जो ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर पानी कंडक्शन करने में एक टिश्यू काम आता है, उस टिश्यू को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक होता है वाटर के लिए, एक होता है वाटर के लिए, एक होता है फूड के लिए, दोनों जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो टिश्यू कौन से होते हैं, कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स को खाना और पानी पहुँचाने में काम करती हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, 16 क्वेश्चन। सपोज करो दिस इज द रॉकेट, क्लियर, सो दिस इज द रॉकेट, रॉकेट क्या करेगा, रॉकेट हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन पीछे क्या करता है, ये गैसेस छोड़ता है, गैसेस छोड़ता जाता है, गैस छोड़ता जाता है। सो व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या है, आपने न्यूटन का थर्ड लॉ डिस्कस किया होगा, थर्ड लॉ, थर्ड लॉ में क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, जाने कि जितना आप काम करेंगे उसका रिएक्शन आपको देखेगा। एक्शन कहां हुआ जी, आपका आगे, कि ये आगे चला गया, रिएक्शन क्या हुआ, गैस पीछे छोड़ दी, लेकिन साथ के साथ आपका फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फर्स्ट लॉ बताता है कि जितना भी आपकी बॉडी होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा अपना जो मोमेंटम होता है ना, संवेग जो होता है, वो हमेशा उसको मोमेंटम जो होता है, संवेग जो होता है, हमेशा उसको रेस्ट पोजीशन के ऊपर रखने के लिए काम करता है मोमेंटम को, क्लियर। सो इसका मतलब व्हाट इज द बेसिस, किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग को कंट्रोल करने के लिए ये काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये किसकी एग्जांपल है, थर्ड लॉ की भी एग्जांपल है, न्यूटन के, क्लियर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, न्यूक्लियस इन ईच सेल वाज डिस्कवर्ड, जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, कोशिका के अंदर जो आपका नाभिकीय है, जो आपका कोशिका के अंदर जो नाभिकीय होता है, वो सेल जो है डिस्कवर किसने किया था, 17th का क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो आपका न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है डीएनए होता है, आपको पता होना चाहिए, डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और प्लस न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, ये सेल है, सेल का जो सेंटर पार्ट होता है ना, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, केंद्रक जिसे आप कहते हैं, क्लियर, केंद्रक। और ये सभी जगह से बराबर कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल भी इसको बोला जाता है, कंट्रोल रूम ऑफ द सेल, कोशिका का कंट्रोल रूम क्या है आपका, न्यूक्लियस, क्लियर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट है टाइलिन, टाइलिन एक एंजाइम है, टाइलिन एक एंजाइम है, वो कहां पे प्रोड्यूस होता है, 18th क्वेश्चन, टाइलिन, टाइलिन जो है, टाइलिन का दूसरा नाम है जी सलाइवरी अमाइलेज। और अगर याद हो हमने डिस्कस किया था, एज वर्ड किसे के पीछे लग जाए वो एंजाइम होता है, सलाइवरी मतलब सलाइवा, जाने के लार, और एमी वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, कहने का मतलब ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ये कहां पे प्रोड्यूस होता है जी, सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवा में, क्लियर। और वो कहां पे होती है, माउथ में, क्लियर, मुंह के अंदर जो है ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, और ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी होती हैं, 3, क्लियर। तो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं हमारी, उसमें ये प्रोड्यूस होता है, और किस चीज को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, क्लियर, शुगर को डाइजेस्ट करता है आपको, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर,
अगला क्वेश्चन देखिए, द पॉइजन ग्लैंड ऑफ द स्नेक आर होमोलोगस टू, किसके अकॉर्डिंग जो है आपका होमोलोगस का मतलब सिमिलर, ठीक है। सो ये जो है 19th क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है बहुत बार। सो पॉइजन जो ग्लैंड होती हैं, पॉइजन ग्लैंड जो होती हैं स्नेक की, वो किसके अकॉर्डिंग होती है? पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? पैरोटिड ग्रंथी जो होती है वो आपकी क्या है? सलाइवरी ग्लैंड, जाने के सलाइवरी ग्लैंड आपकी लार ग्रंथी के साथ इसका होमोलोगस है। और पैरोटिड ग्रंथी की अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर इसकी इन्फेक्शन हो जाती है तो क्या हो जाता है? मम्स, क्लियर। इसमें क्या होता है कि यहां से जो गाल आता है ना, चीक्स जो होती हैं, क्योंकि यहां पे होती है, ये फूलने लग जाता है, क्लियर। मम्स जो है इन्फेक्शन है पैरोटिड ग्लैंड की, क्लियर, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइज, ये थे आज के लेक्चर के अंदर। सो इसके बाद जो है आपको जो है इसी तरीके से जो क्वेश्चन मिलते जाएंगे, और सारी चीजों को फॉलो करते रहिए अच्छे से। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है। बाकी कुछ भी अगर आपने पूछना है तो कमेंट सेक्शन में, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कमेंट सेक्शन में जो है आपका लिंक मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह कहां पे मिलेगी, कहां से हम इसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम का लिंक सब कुछ जो है नीचे गिवन है, इवन जीमेल आईडी का भी मेरा लिंक गिवन है। सो वहां पे आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।